गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ी बहुत गाली गलौज हो सकती है, तो प्लीज़ अपने अपने कानों में रट्टे डाल देना। मीन्स ब्लूटूथ भाई, आज के टाइम पे जो नई नई दुकानें आ रही है, टपरी आ रही है, वो कोई टपरी मतलब टपरी हमारे ज़माने में होती थी। मीन्स आज से 2-3 साल पहले जब पबजी का टाइम हुआ करता था, मैं अपने दोस्त के साथ बोलते हैं फट्टे पर बैठ के पबजी चालू करते थे। चलना लौड़े कितना रुकेगा, भोसड़ी चलना, जमा में ले लिया मार दिया, जमा में ले लिया मतलब नॉकआउट कर दिया, ले डांड मारा ले मर गया बैंक छोड़। मतलब वो वाला सीन तो मस्त। अब देखो ये क्या है, सो बेसिकली हम वही आज टपरिया देखने वाले। हाँ, हम टपरिया देखने वाले। सो पहले मिलते हैं BBA की बैंक BTEC से, ठीक है? तो चलो वीडियो चालू करते, देखते कैसी टपरी क्या टपरी वो। चलो ओके, करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं, और मैं बिहार के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग। या ये तो मैंने ही है, मतलब कोई भी वीडियो बनाओ कुछ भी बनाओ, वो बोलते हैं थोड़ा सा इमोशनल वाला लाइन डालना ही है। मैं गांव से हूँ, मैं बहुत झोपड़ी में रहती हूँ, मेरी टांगे तो सही है, टांगे निकली नहीं है, दोनों टाइप पैर पे खड़ी, वो बोले बिना वीडियो थोड़ा स्टार्ट होता है। करती हूँ, और कभी भी किसी भी बड़े चीज की शुरुआत हमेशा जीरो से ही होता है। तभी जीरो से 100 से ज़्यादा तुम्हारे भाई ने भी अपनी ये घिसा घिसा के एटलीस्ट 0 से 100 तो पहुंच गया, मतलब सब्सक्राइबर हो गया। तो थैंक यू सो मच जिस जिसने सब्सक्राइब किया हुआ, आप भी देख रहे हो, आप भी कर दो। तो 100 लेवल पे जाता है। मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे चाय बेच रही हूँ, क्योंकि उन घर वालों को नहीं पता होगा क्योंकि ये वाली वीडियो देखी होगी। भी सोच ये है कि ये चाय का ठेला लगाना ये कोई अच्छे घर के लोग नहीं करते हैं, और पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं हमेशा हर काम लड़का ही करे, लड़की भी। ये हर एक लड़कियों का है भाई, ये हर एक लड़कियों का है। हर एक लड़की ये बोलती है कि भाई लड़के ही सोचते ये करते हैं, लड़के को लगता है कि मतलब लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। ये लड़कियों की गलत फहमी, ठीक है, और किसी को नहीं लगता ये, ठीक है। मैंने तो नहीं देखा मेरी फैमिली में या मेरे को जो भी कॉन्टेक्ट में, उन्होंने कभी ऐसा लड़कियों के ऊपर ऐसा कमेंट नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। मतलब ये खाली इनकी मेंटेलिटी सोच है, वो लगता है वो ऐसा कुछ नहीं, और ये खाली लाइन इंक्लूड करने के लिए बस उनको लगे ऐसे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ कर सकती है। तो ये आज स्टार्टअप बहुत। और एक ही बात बताऊँ, मुझे ठेला है क्यों, चाय का ठेला क्यों, क्यों और कुछ नहीं मिला? फॉर एग्जाम्पल इसके पापा भी काम करते होंगे, राइट? सो इसका पापा का तो बिजनेस होगा, उसमें भी तो ये अपना हाथ मतलब हेल्पिंग हैंड बन सकती है ना इसके पापा के लिए। देन वाई नॉट, क्यों? क्योंकि MBA वाले को देखा है, MBA वाला मस्त करोड़ रुपये कमा रहा होगा शायद, मुझे पता नहीं, इसको रेवेन्यू मैंने देखी नहीं। करोड़ों कमा रहा होगा तो हम भी चाय की टपरी खोल देते, हम भी करोड़ों कमाए। मैडम वो उसका नसीब अच्छा था, उसका दिन अच्छा था, पता नहीं कुछ तो लग था उसका कि उसने चाय बेच के इंटरव्यू दे दे के फिर मोटिवेशनल मार मार के आज वो कहाँ पहुँच गया है। हर एक वो नहीं बनता, छोटा है। उम्मीद ये है कि इसे बहुत बड़े जी, उम्मीद नहीं जिद है। जिद है भाई, जिद है। बहुत बार अपने को ले डूबती है, मेरे को तो बहुत बार ले डूबी है, मैं अच्छे से जानता हूँ। बहुत आज भी मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत बोलते फोड़ा मारती है, फोड़ा मतलब तकलीफ आती है लाइफ में, जिद्दी हूँ। किसे बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। तो मैम बनाना शुरू कीजिए, आप चाय कैसे बनाते हैं? चाय का क्वालिटी के साथ साथ आपको इसमें जो मसाले हैं वो बहुत ही आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये चीनी सल्फर फ्री है। ओके, हमने अपने कस्टमर का हेल्थ का पूरा ध्यान रखा है। बहुत बैकग्राउंड नॉइज, बहुत। और एक बात, एक मिनट, इसमें ऐसा क्या है चाय में? मैं जब 5th standard में था ना, 5th में, तब मेरी मम्मी शायद कुछ ऐसा था कि मम्मी को चाय बना दी, तब मैंने मम्मी को चाय बना के पिला भी दी थी। क्या है इसमें चाय जैसे, मैं दूध पानी डालो, दूध डालो, अदरक कूटो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, उबालो, छानो, दे दो, सिंपल है ना? और ऐसा क्या है इस चाय में, क्या अपने घर से मसाला बना के लाइए? और एक मिनट, चीनी भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल जो चाय पीते हैं ना सुबह उठ के या दिन में जो भी शाम को चाय पीते हैं ना, ज़्यादा का लोग थोड़ी सी बोलते हैं ना स्वीट पीते हैं, मतलब कभी कोई लोग मीठी पीते होंगे, पर एवरेज जो बोलते हैं ना काइंड ऑफ स्वीटनेस चाहिए होती चाय में, कहाँ से ही लेके जाएगी वही मसाले जो मैंने खुद से बनाए। ओके, ऐसे ऐसे वीडियो मैडम ने खुद ने बनाया करके, और सारी चाय होगी यहाँ पे ट्रांसफर। क्या बात है भाई, ट्रांसफर, क्या बात है भाई, एकदम गर्मा गर्म है भाई।
मुझे देख ये फूड ब्लॉगर्स का समझ नहीं आता, क्यों ये हमेशा ऐसे फेक क्यों करते हैं भाई? चाय जैसी चाय, इसमें तुझे ऐसा क्या दिख गया जो तुझे वो ऐसा वाला रिएक्शन है? सीधा अंदर मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। वॉच फुल वीडियो, लिंक इन कमेंट। चला जाए उनको देखने। एंड वेट 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 वेट, ये कोई टपरी है? ये कौन सी टपरी हुई भाई? मेरे यहाँ से बिल्डिंग है ना, उसके बाहर निकलते ऐसे दो रोड जाती, वो दो रोड में कम से कम पांच तो होगी, दो गल्ले तीन टपरे मिल जाएगी आपको। मनोज भाई की द बेस्ट टपरी है, वहाँ पे तुम्हें चाय के साथ सुट्टा सब मिल जाएगा। और इसके टपरी पे तो मुझे सुट्टा दिखा ही नहीं, वो कहाँ है वो पार्शलिटी? क्यों भाई, सुट्टा और चाय का तो कॉम्बिनेशन होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड स्मोक, आई एम जस्ट ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो आपका भी फेफड़ा काले लंड जैसा हो जाएगा। तो अभी तक आई डोंट नो ये बी टेक वाली है कि नहीं, बट अभी तक आपने बी टेक चाय वाली को देखा था, अब देखते हैं हम पानीपुरी वाले को। चलो देखते हैं पीपी वाले को क्या है। पीपी वाले नाम तापसी उपाध्याय है और मैं 21 ईयर की हूँ, सिर्फ 21 साल की। और कहते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर, तो मेरे साथ वही वाली चीज़ है, एज इज जस्ट अ नंबर। और लोग बोलते हैं कि बी टेक करके गोलगप्पे बेच रही है या फिर भाई, दर एक बात बोलो, द वे शी वॉज बोलते ना बुलेट पे अपनी पानी वोड़ी लेके जा रही थी ना ठेला, मुझे अपने गांव की याद आ गई। यहाँ आज भी अपने गांव में, मतलब मेरे गांव में रास्ता बोलते हैं ना, चार पांच बजते हैं ना तो आता है वो एकदम रेडी लेके पानीपुरी दे, पानीपुरी वाला ऐसे, मुझे उसकी याद आ गई। सो अभी आपने इंट्रोडक्शन सुन लिया बी टेक पानीपुरी, ये ठीक है, ये अच्छा है कि पहले वाली जो थी उससे अच्छा लगा मुझे। वो बोलते ना इमोशनल में टांगे निकली में झोपड़ी से, वो ये नहीं बोला मैंने। अब पानीपुरी का टेस्ट जान लेते हैं, क्योंकि मैंने तो टेस्ट किया नहीं है ना, आपने किया, तो हम एक रिव्यू भी देख लेते। रिसेंटली हम गए थे इंटरनेट की वायरल सेंसेशन बीटेक पानीपुरी वाली पे तिलक नगर, वहाँ जाके हमें बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ा क्योंकि इतनी भीड़ होने की वजह से हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। कुछ लोग उनके साथ वीडियोस बना रहे थे, कुछ लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे, कुछ लोग अपनी अलग व्लॉगिंग कर रहे थे, और काफी लोग उनका इंटरव्यू भी ले रहे थे। तो ऐसा यही जहाँ तक मुझे लगता है ना, मुझे ये लगता है पानीपुरी चाय या कुछ भी बोलते हैं ना, ये स्टार्टअप धंधा करने के लिए नहीं है, टू जस्ट गेट अ फ्रेम। मुझे इसलिए लगता है कि इसलिए ऐसा ही बिजनेस करते हैं, तो बोलते हैं लोगों का अटेंशन मिले, ग्रैब कर सके ऑडियंस को, फ्रेम का फ्रेम मिला, पैसा का पैसा मिला, ये मुझे लगता है। लग रहा था यहाँ पे गोलगप्पे खाने वालों से ज्यादा ब्लॉगिंग वालों की भीड़ यार, वहाँ पे हर ब्लॉगर उनसे सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा था अपनी ब्लॉगिंग के लिए, और उसको देख के तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन बीटेक पानीपुरी वाली ने सबको बहुत काम लिया। और फूड ब्लॉगर होता घुस जाते, कैसा लगा कैसा लगा, कैसा लगा? स्माइलिंग फेस के साथ रिप्लाई दिया। अब अगर इनके गोलगप्पों की बात करें तो 30 रुपीज की प्लेट थी जिसमें 6 गोलगप्पे मिलेंगे, और इनकी पूरी इतनी सॉफ्ट थी कि मुंह में जाते ही घुल रही। और मेरे पापा ने बताया कि शायद चावल के आटे की पूड़ियां है जो हमारे टाइम पे काफी कॉमन थी। यार ये गोलगप्पे हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए तो काफी अच्छे, लेकिन हमें तो हमारे वो देसी सूजी और आटे वाले गोलगप्पे ज्यादा अच्छे लगे। यार इनका स्पाइसी वाला पानी भी खट्टा मीठा जलजीरे के पानी जैसा लग रहा था, तो पानी शायद कुछ ज्यादा ही हेल्दी हो गया जो हमारे टेस्ट बड्स को सूट ही नहीं किया। अभी मैं आपके साथ ब्रूटल हूंगा, मतलब छोटी आपको भी जिसने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है उसको मैं मतलब अच्छे से वो वाला एक स्पेस नहीं दूंगा तो आपको कैसा लगेगा? बस वो वाला सीन है, कस्टमर को अच्छा से ट्रीट नहीं दोगे तो बुरा मान जाएगा। ये सर बोले ना मम्मी पापा ने भी गोलगप्पे खाए, और मेरा भाई तो वीडियो बनाने में ऐसे शर्मा रहा था जैसे इसको रिश्ते वाले देखने आए। ओवरऑल हमें इनका हेल्दी वर्जन ऑफ पानीपुरी का इनिशिएटिव काफी ज्यादा अच्छा लगा, एंड इतनी कम एज में इतना सब मैंने 30 रुपए की 10 रुपये की बेस्ट, 10 रुपये की बेस्ट है। मैं मेरे दोस्त जाते हैं ना, वो जो होता है ना थैली, उसमें से एक ऐसे पहले तो ऐसे दो तीन खा लेते हैं जब तक नंबर आता है, फिर हम जो 10 रुपये की जितनी मिलती है, कितनी मिलती है 7 या 8 मिलती है कुछ, हम ले लेते हैं 7-8 करके, उसमें मज़ा आती है। पता है कि शायद चावल के आटे की पूड़ी है जो हमारे टाइम, ये कोई पूड़ी है भाई, चावल के आटे की सूजी की एकदम वो ही पूड़ी होनी चाहिए तो मज़ा आए। और हेल्थ कॉन्शियस क्या है भाई, जब पानीपुरी खा रहे हो क्यों तुम चीट कर रहे हो? ठीक है पानीपुरी खा के ऐसे तो कोई खास है नहीं, आलू है मतलब आलू काफ्स है, पूड़ी है थोड़ी तली होगी तो वो थोड़ी आपको है वगैरह से, बट पूड़ी तो वही चाहिए। ये सब क्या है, चावल की लहसुन की बस, इसका मतलब ये है कि इससे अच्छा तो मेरी मम्मी बना है। हाँ
जल्दी जल्दी डाला, नींबू डाला, धनिया डाला, लहसुन डाला, लहसुन सॉरी ये सब डाल के तो मेरी मम्मी बना देती है। सुबह इसके लिए क्या दूँ, ये जो बना रही है ना इसको बोलो आ तू इधर सूरत एक बार, सूरत आ, मैं और मेरा जो फ्रेंड खाते ना वो खा के दिखा दे, वैसी पानी पूरी बना तो मैं रोज आके खाऊंगा। मतलब आपको मैं मुंह से नहीं बता पाऊंगा कैसी होती है, तो कोई छोटा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मस्त ठेला है वो बंदा जो है ना वो बहुत मस्त है पहली बात। दूसरा उस गरम एक जो नॉर्मल मसाला होता है आलू का, एक गरम वाला भी होता है उसको मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, उसके अंदर पहले मिर्ची ऊपर से हरी चटनी डालने की जितनी हो सके, मतलब जितना तीखा हो सकता है, तुम्हारा गला तुम्हारी आँख तुम्हारी गांठ सब फट जाए वैसे तीखा, फिर खाने का वो उसमें अलग मजा। ये सब चोचले बोलते हैं वही जो मैंने आपको बोला, वो फ्रेम पाने का अटेंशन पाने का। सो आई होप एंड वन मोर थिंग बिफोर यू स्टार्ट कमेंटिंग डाउन कि लाइक तुमने लड़की के ऊपर ऐसा क्यों बोला, किसी के धंधे के ऊपर ऐसा क्यों बोला, किसी को गाली क्यों दी, कुछ भी, जस्ट टेक इट एज अ फन। आई जस्ट सेड इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, मेरे को कुछ ऐसा नफरत नहीं है, उनने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। सो आफ्टर दैट ऑल्सो यू थिंक सो दैट आई सेड समथिंग रॉन्ग, देन यू आर फ्री टू कमेंट डाउन बिलो वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ओके। सो या, सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। बिफोर यू गो प्लीज लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन आपको वीडियो कैसा लगा, ओके। बाय बाय, take care.